श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो 10 मोस्ट मिस्टीरियस वीडियोस ऑन इंटरनेट आज हम देखेंगे। वीडियो बाय हैदर टीवी। कौन सी ऐसी वीडियोस हैं 10 सबसे ज्यादा खतरनाक वीडियो इंटरनेट पे, तो देखते हैं वीडियो। मुझे डर बहुत लगता है खतरनाक वीडियो देखने, लेकिन मुझे मजा भी आता है कहीं ना कहीं। यार सस्पेंस होता है कि क्या हुआ होगा इस चीज में ना, हीट होता है ना। देखते हैं इसको, फिर करते हैं। जैसे कुछ लोग नमाज समथिंग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में, तो इसको देखते हैं, फिर देखते हैं बाकी बातें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों आजकल इंसान इतना एडवांस हो चुका है कि वो हर चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है, लेकिन अभी भी दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंसानी अकल नहीं समझ सकती। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैमरे पर रिकॉर्ड होने वाली ऐसी मिस्टीरियस और स्केरी वीडियोज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे खाली मकान के अंदर रिकॉर्ड किया गया था। ये कई सालों से बंद पड़ा था और लोगों का कहना था कि इस मकान में भूत प्रेत का बसेरा है। इस चीज को चेक करने के लिए एक शख्स इस मकान के अंदर चला गया। जब ये घर के अंदर एंटर हुआ तो सबसे पहले इसे चीजों के गिरने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीजों को जोर से फेंक रहा हो। ये शख्स इस कमरे के अंदर चला गया जहाँ से ये आवाज आ रही, लेकिन जब इसने कमरे का दरवाजा ओपन किया तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इवन की वहाँ पर कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे उठाकर फेंका गया हो। कमरा बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई नहीं था। ये इस कमरे से बाहर आ गया, फिर अचानक से एक और कमरे से किसी बच्चे के गाना गाने की आवाज आना शुरू हो गई। ये फौरन इस कमरे की तरफ चला गया और ये कमरा भी खाली था। इसे मुसलसल बच्चे की आवाज आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस शख्स ने बच्चे से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो मुसलसल गाना गा रहा था। ये इस कमरे से बाहर आ गया और साथ वाले कमरे में चला गया। इसने देखा कि कमरे का सीलिंग फैन हल्का हल्का घूम रहा था, कि इस मकान में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। जैसे ही ये अंदर गया, फैन एकदम से रुक गया। ये शख्स इन सब चीजों को देखकर इतना शदीद डर गया था कि ये डर कर घर से बाहर आ गया। इसका कहना था कि इस घर के अंदर किसी बच्चे का भूत रहता है। बहरहाल जो भी हो, ये वाकई में बहुत स्केरी था। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स नींद के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करना शुरू कर दे। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। इस वीडियो को एक हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें दो रूममेट्स बेड पर सो रहे थे कि अचानक इनमें से एक उठा और दूसरे लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर ये ऐसे ही खड़ा रहा, फिर अपनी साइड पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो अजीबोगरीब अंदाज से डांस करना शुरू हो गया। इसके बाद वो दूसरे रूम में चला गया, फिर अचानक से इसका बाजू इतना लंबा हो गया कि इसने अपनी जगह पर खड़े होकर टेबल के दूसरे कोने पर पड़ी हुई पानी की बोतल उठा ली। जैसे ही इसने पानी की बोतल उठाई, इसका बाजू दोबारा नॉर्मल हो गया। इसने पानी पिया और वापस बिस्तर पर आ गया। जब ये बेड पर बैठा तो इसके बेड के नीचे से एक बाजू आता हुआ दिखाई देने लगा। वो बाजू किसका था ये बात तो कोई नहीं जानता। वेल इससे ज्यादा स्केरी हॉस्टल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों अब जिस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नवंबर 2020 का है। तीन दोस्तों का एक ग्रुप एक हॉन्टेड प्लेस पर गया हुआ था। ये एक घर था जो काफी अरसे से खाली और वीरान पड़ा हुआ था, और बहुत से लोगों का मानना था कि इस घर में आसेब रहते हैं। ये लोग देखना चाहते थे कि वाकई में वहाँ कोई चीज है या फिर ये सब बातें हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। जब ये लोग एंटर हुए तो अंदर जाले ही जाले थे और काफी ज्यादा अंधेरा था। इन्होंने टॉर्च वगैरह लगाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। इस घर के एक कमरे में इन्हें एक डॉल पड़ी हुई नजर आई। इस डॉल के सर और चेहरे पर ब्लड जैसी कोई चीज लगी हुई थी। जब इन लोगों ने थोड़ा पास जाकर देखा तो ये वाकई में खून था। ये लोग खून देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। अभी ये ब्लड देख ही रहे थे कि अचानक इस डॉल ने अपना सर घुमाया और गुस्से से इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। ये सब लोग डर गए और भाग कर बाहर आ गए, लेकिन इनके बाहर आने के बाद भी इनका EMF मीटर किसी स्ट्रेंज क्रिएचर को मुसलसल डिटेक्ट कर रहा था। ये चीज आखिर थी क्या ये बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो भी था वाकई में बहुत खौफनाक था। दोस्तों आप सबने अक्सर सुना होगा कि जिन्नों भूतों को कब्जे में भी किया जा सकता है। कुछ मखसूस अमल और ट्रिक्स यूज करके बड़े बड़े जादूगर जिन्नों को बुलवाते हैं और बाज दफा अपने कब्जे में भी कर लेते हैं। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसने भी ऐसे ही ट्रिक करने की कोशिश की थी। इसने कहीं पर पढ़ा था कि अगर दीवार पर इस तरह का पेंटग्राम बना दिया जाए तो इससे जिन भूत आ जाते हैं। इसने अपने घर में एक कमरे की दीवार पर ये पेंटाग्राम बना दिया था। हालांकि ये शख्स इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। इसने ये सब कुछ एज ए जोक किया
किया था वो ये प्रूव करना चाहता था कि जिन भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस डायग्राम को बनाने के बाद इसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे ताकि अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो तो इसे पता चल जाए। लेकिन इसके बाद जो हुआ इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक कमरे में पड़ी डॉल खुद ब खुद मूव करना शुरू हो गई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे किसी ने पांव से मारकर आगे किया हो। थोड़ी देर बाद कमरे में लटकी हुई तार खुद ब खुद कट कर नीचे गिर जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक कमरे में पड़ा हुआ स्टूल भी अपने आप मूव होना स्टार्ट हो गया था। जब इस शख्स ने ये सीसीटीवी फुटेज देखी तो इसके होश उड़ गए। वेल इसके लिए तो ये नजारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। दोस्तों हम में से अक्सर लोगों को स्केरी मूवीज पसंद होती है। इनमें ना नजर आने वाली अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन सच ये है कि ये मखलूफ सिर्फ ड्रामों में ही नहीं बल्कि रियल में भी पाई जाती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे एक यूट्यूबर ने रिकॉर्ड किया था और इनका नाम हसन था। ये एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में स्केरी वीडियो शूट करने के लिए गए थे लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। ये जैसे ही अंदर दाखिल हुए बिल्डिंग के दरवाजे खुद ब खुद जोर से खुलना और बंद होना शुरू हो गए। ये यूट्यूबर बहुत ज्यादा घबरा गया था। ये भागकर दूसरे कमरे में आ गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन जिन वहां पर भी पहुंच गया और इसने पाइप की मदद से दरवाजे का लॉक भी तोड़ दिया था। हसन ने फौरन सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब ये सीढ़ियों से उतरने लगा तो इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे पीछे से धक्का मार दिया हो। ये मुंह के बल जमीन पर जा गिरा लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। एनीवे जो भी हो ये सीन वाकई में टेरिफाइंग था। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे यूट्यूब के एक चैनल पर अपलोड किया गया था। इस चैनल के रिपोर्टर एक हॉन्टेड प्लेस पर वीडियो शूट करने के लिए गए थे। ये चेक करना चाहते थे कि इस जगह पर कौन सी ऐसी चीज है जो कि सब लोगों को डराती है। जब ये वहां पर पहुंचे तो इनके ईएमएफ मीटर ने कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। इन्हें महसूस हो गया था कि वहां पर वाकई में कोई और मखलूक मौजूद है। जब ये बिल्डिंग के अंदर गए तो इसकी एक खिड़की अपने आप खुल गई। अभी ये खिड़की को देख ही रहे थे कि इनकी पिछली साइड पर अचानक से आग लग गई। आग को देखकर इन सबके होश उड़ गए थे। जैसे ही लोग आग से बचकर भागने लगे इन्हें खिड़की में किसी का साया नजर आया। ये लोग बाहर आ चुके थे लेकिन ये जानना चाहते थे कि वो साया किस चीज का है, इसलिए ये लोग दोबारा अंदर चले गए। इन्हें अंदर किसी के चलने की आवाज भी आ रही थी। जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे गए इस ताकत ने कांच की बोतल फेंककर इन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं डरे और कमरे के अंदर चले गए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और अभी इनमें से एक शख्स अपने ईएमएफ मीटर से इस आसेब को ढूंढ ही रहा था कि अचानक से इस कमरे में दोबारा आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसेब इन्हें जान से मारना चाहता हो। इस बार तो ये लोग वाकई में डर गए थे और ये सब लोग वहां से भाग गए। एनीवे जो भी हो ये सीन सच में टेरिफाइंग था। दोस्तों हम में से अक्सर लोग कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसी जगहों पर जिन भूत और आसेब वगैरह मौजूद होते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स की एक टीम कब्रिस्तान में चली गई। ये लोग इधर उधर घूम रहे थे कि अचानक इन्हें कब्रिस्तान की दीवार के पीछे किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। लेकिन जब ये लोग बाहर आए तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इन्होंने भागकर चारों तरफ देखा कि वहां क्या चीज थी लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आया। अभी ये लोग बाहर ही खड़े थे कि अचानक ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान के अंदर एकदम से तेज रोशनी हो गई हो। लेकिन अचानक से वो रोशनी गायब हो गई। ये लोग फौरन देखने के लिए गए कि कब्रिस्तान के अंदर क्या चीज है लेकिन इन्हें अंदर कोई भी चीज नजर नहीं आई। ये फिर से बाहर आ गए लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आए फिर से लाइटिंग होना शुरू हो गई। इस रोशनी को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई रूहानी ताकत मौजूद हो। लेकिन जब इन्होंने दोबारा अंदर जाकर देखा तो इस बार भी वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं थी। ये चीज आखिर थी क्या ये बात कोई नहीं जानता। एनीवे जो भी हो ये सब लोग बुरी तरह डर गए थे। ये रियली बहुत स्केरी था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब भाई देख लो पाइप वाला सीन था ना जहाँ पे जिन आया था से बात जिन ने पूरी पाइप से दरवाजा खोला भाई वो चीज थोड़ा दरवाजे का यार मतलब उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था वो जिन यार एकदम से मतलब मैं अगर उस टाइम वहां पे होती ना तो मैं तो भाई मेरा तो मानना ये चीजें होती है। अगर गुड पावर्स है अगर गॉड है तो डेविल भी है अगर खुदा है तो शैतान भी है ये बोलने वाले ये सही सी जाहिर सी बात है ना। हमेशा हमेशा खुदा का ध्यान करते उनमें खोए रहो उनके ना सब कुछ क्योंकि ऐसे तो नहीं यार भाई यार मतलब मेरे को मिले तो मैं तो स्केरी सी चीज। अच्छा किस किस के साथ ऐसा वाक्य हुआ है या किसी के आस पड़ोस में किसी ने सुना हो तो अपना वाक्य कमेंट्स में जरूर जिक्र करना भाई साहब की जिसके साथ हुआ हमारे साथ मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा अभी तक कुछ भी की ऐसा ना भाई ये तो बड़े डेंजरस था ना कुछ। और नींद में चलने वाला मैंने कभी सुना मैंने कभी सराउंडिंग्स में नींद में चलते हैं मेरे बुजुर्ग पे रहते नहीं मैं बोले बुजुर्ग चलते थे
फिर घूमते थे पूरे घर पे, किसी को कैसे पता कि वो गली चलते में हैं, पहुंच जाते थे, पूछने गली में, हमारी गली में, किसी को कैसे पता है पता नहीं, देखा होगा किसी ने, फिर रात को आप यहाँ मुझे क्या कुछ कर रहे सुनाते थे हैं, ऐसे। मुझे कुछ सुनाते हैं, भाई साहब ये तो बात तो मुझे बाकी पूरा अपने बिस्तर सर पे रखे चल 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 रहे यार, तो बाकी ये था। और आपने बताना कि है कोई आपकी सराउंडिंग्स में या हाँ रिलेटिव्स में कि जो नींद में भी चलता हो, क्या पता आप में से कुछ चलता हो तो बताना। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।